तो आज हम भी बनाएंगे एक वॉल क्लॉक जो है स्कल्पचर आर्ट से। सभी बनाते हैं तो हमने सोचा हम भी ट्राई कर लेते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको। तो ये मैंने एक बर्ड बनाई है और कुछ फ्लावर्स बनाए हैं, थोड़ा सा अलग सा करने की कोशिश की है। और चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। तो सबसे पहले हमने ये प्लेट ले ली है। ये पता, वैसे तो आपको पता ही होगा किस चीज़ की प्लेट है। ये हमारे फ्लावर पॉट रख के नीचे रखने वाली प्लेट है, बेकार पड़ी थी, हमने इसे इस्तेमाल कर लिया। क्रिएटिविटी है, दिखानी तो चाहिए ही, तो कुछ भी मिले उसे पेंट कर लीजिए। तो सबसे पहले हम इसे देंगे एक सफ़ेदी की चमकार। तो सफ़ेदी की चमकार देने के लिए हमने बनाया घर पे ही जैसो। मार्केट का तो बहुत ही महंगा आता है, इसलिए हम इसे इस्तेमाल नहीं करते। घर पे बनाने के बाद इसको कोटिंग करेंगे हम, जैसे कि आप फेस पे कोटिंग करते हैं कभी प्राइमर की कभी कंसीलर की, तो इसी तरीके से इस पे कोटिंग करेंगे हम और मारेंगे इसके ऊपर एक सफ़ेदी की चमकार। साइडों में भी दे देंगे थोड़ा थोड़ा सा, जितने कोट चाहें उतने कोट कर सकते हैं। नहीं नहीं, ज़्यादा नहीं करने हैं कि वो कपड़ी बन के छूटने लगे, खाली 2-3 कोट से काम चल जाएगा। अगर आपका बेस दिख रहा है तभी, वरना नहीं। पीछे से वैसे तो मैंने अच्छे से साफ कर ली थी, लेकिन फिर भी वो गंदी रह गई, तो क्योंकि हमारा जैसो बच्चा है तो इसे भी दे देंगे हम एक सफ़ेदी की चमकार। और जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा तो एक और कोटिंग करके हम इसे तैयार कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं घर पे जैसो बनाना सीखना तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वैसे तो मैंने कई सारी वीडियोस में बता रखा है कैसे बनाएं, लेकिन स्टिल अगर आप जाके नहीं देखें तो मुझे बता दीजिए, मैं अलग से एक वीडियो बना के तैयार कर दूंगी सिर्फ आप लोगों के लिए। और ये सेकंड कोट भी हमारा होके तैयार हो गया है। जो लिखा हुआ है वो थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है, कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। अब हमने एक ढक्कन ले लिया है, फेविकोल का ही लिया है, कुछ और मेरे को दिखा नहीं आसपास। और एक मार्किंग कर लेंगे, गुला बना लेंगे घड़ी के लिए। अरे ये क्या हुआ, पूरा आया ही नहीं। चलिए अगेन, और ये बन के तैयार हो गया है। अब हम दिखाएंगे अपनी कारीगरी इसके ऊपर। अब हल्का सा जो आउटर लेयर है उसके ऊपर ब्रश की हेल्प से टेक्सचर देंगे। कैसे भी चाहें वैसे टेक्सचर दे सकते हैं, ब्रश से दीजिए। मैं थोड़ी सी और कारीगरी दिखाकर इस पे पन्नी से टेक्सचर दूंगी। जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं। और इसके ऊपर चिपका दीजिए पन्नी। पन्नी जो है ऑटोमेटिकली बहुत ही बढ़िया टेक्सचर दे देती है। याद रखिएगा ये बीच का पोर्शन जो है इसे छोड़ना है आपको। और ये बनके तैयार हो गया आपका। अब असली कारीगरी स्टार्ट करते हैं। तो इसके ऊपर जो है मैंने जो स्कल्पचर पेस्ट है वो भी घर पे ही बनाया है। अरे भाई, मार्केट वाले बहुत महंगे आते हैं ट्रायल करने के लिए, इतने महंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो अगर आप इसकी भी वीडियो लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं इसकी भी वीडियो अलग से बना के आपको दिखा दूँगी। बस अब हम जो है एक चिड़िया की शेप देंगे, चिड़िया की बॉडी की शेप देते जाएंगे। हाथ से दीजिए, स्कल्पचर के जो नाइफ्स आते हैं उनसे दीजिए, जिससे चाहे उससे दीजिए। और उसके बाद अब हम बनाएंगे फिदर्स, कलरफुल सी चिड़िया बनाएंगे, पैरेट है कलरफुल सा। तो बस अब वीडियो देखिए और समझ जाइए और इंजॉय करिए वीडियो को विद थीम म्यूज़िक। जहाँ पे बताना लायक होगा वहाँ पे मैं बीच बीच में आपको इंटरप्ट करके बताती रहूँगी।
तोता तो उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है, बस आँख ही लगानी बाकी है। तो हम बनाएंगे फ्लावर्स। फ्लावर आप जौन सा भी चाहे वाला बना सकते हैं। मैंने रोज़ बनाने का ट्राई किया है, बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगी कि बन रहा है, लेकिन स्टिल फॉर सेकेंड अटैम्प्ट के हिसाब से बहुत ही सुंदर बन रहा है। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, थोड़े से बेब्स, जो भी चाहें वैसे आप डेकोरेट कर सकते हैं इसे। और ये जो है हमारा स्कल्पचर पीस, थोड़ा सा शायद गर्मी की वजह से फैल रहा है, कोई बात नहीं, कंट्रोल कर लेंगे इसे भी हम। ये रोज जो है, फ्लावर जो है हमारा बनके तैयार हो गया है। सेकंड हम बनाएंगे एक और फ्लावर। दूसरा ऑरेंज कलर लिया, ये भी हमने घर पे ही बनाया है। इतने सारे कलर्स के स्कल्पचर पेस्ट जो है कैसे खरीद लें? अरे उप्स, ये थोड़ा सा ख़राब हो गया था, लेकिन आर्टिस्टिक है, कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे उसे भी हम। उसको हटा के हमने फिर से बना लिया है, कोई इशू नहीं है, बस थोड़ा सा क्लीननेस का ध्यान रखिए, जितना क्लीन होगा उतना ही सुंदर लगेगा। तो वो सेम अपने बीड्स बीच में लगा के और एक और रोज जो है वो हम तैयार कर लेंगे। डिटेलिंग दीजिए आप थोड़ी सी लीव्स के साथ, जितनी भी एम्प्टी जगह है उनमें लीव्स बना लीजिए। कलरफुल चाहे कलरफुल, डबल शेड की चाहे डबल शेड की, जैसे आपका मन करे। भाई आर्टिस्टिक हो आप भी, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन, थोड़े बहुत चेंजेस तो चलते हैं। और ये लास्टली हमारी सारी लीव्स जो हैं वो ऑलमोस्ट लग के तैयार हो गई हैं।
फीकी फीकी सी चिड़िया है, थोड़ा सा रंग बिरंगा तो उसे करना ही पड़ेगा। तो एक कोट और रेड कलर का, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो करना ही पड़ता है, तभी तो ग्रेस आता है आपके काम में। तो वही हल्का फुल्का कलर्स ऐड करिए, कहीं कहीं गोल्डन टिंच करेंगे। अगर आप मेरी कोई सी भी वीडियो देख के कुछ भी बनाते हैं तो मुझे आप उसे इंस्टा हैंडल पे जो है वो शेयर कर सकते हैं, मुझे टैग कर सकते हैं, ताकि सब लोग देख सकें आपकी क्रिएटिविटी को, और मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ मेरे वीडियोस देख के आप भी कुछ सीख रहे हैं। मुझे लाइक ज़रूर दीजिएगा, लाइक करने से कोई मेरा व्यूज़ नहीं बढ़ते, कोई मुझे पैसे नहीं मिलते, बस एक मोटिवेशन ज़रूर मिलती है कि मैं और अच्छा करूँ। थोड़ा थोड़ा गोल्डन कलर इधर उधर, थोड़ी थोड़ी सी शेडिंग येलो से ग्रीन से, और थोड़ा सा एनहांसमेंट जिससे कि और उभर के आए हमारा जो भी आर्ट है, आर्ट फॉर्म है। बस अब ये आर्ट फॉर्म तो बन के तैयार हो गई, बीच में होल करी है और ये रेडी हो गया मेरा घड़ी लगवा के। ये मैंने मार्केट से घड़ी लगवाई थी क्योंकि अपने से तो लग नहीं पाती, और अब बस हम मार्किंग्स करेंगे। ये मैंने 3D लाइनर ले लिया है और 12, 3, 6 सारी चीज़ों की मार्किंग कर देंगे। नंबर्स तो लिख नहीं रहे, इतनी अच्छी राइटिंग नहीं है हमारी।
और ये हमारी घड़ी बनके तैयार हो गई है। हैंगिंग चाहे हैंगिंग बना लीजिए, ऐसी रखने वाली चाहे वैसे बना लीजिए। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी ये नई आर्टिस्टिक चीज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए DIY के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।